हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय जय श्री ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत दिन के बाद में मिल रहे हैं और अभी हमको देख सकते हैं पूरा रेडी हो चुके हैं। आज ना हम लोग जा रहे हैं पड़ोस में अनुज का फूफू कह दीजिए, तो उसका प्रोग्राम है आज, तो वहीं पर अभी हम लोग जा रहे हैं। सबको ही जाने के लिए पूरा रेडी हो चुके हैं, लेकिन जाने से पहले हम सोच रहे हैं ना कि पूरा कपड़ा को अंदर कर दे, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकता है। धूप तो अभी बहुत अच्छा निकला है, लेकिन जो सूख गया है उसको अंदर कर देते हैं और जो नहीं सूखा है उसको छोड़ देंगे। जैसा लग रहा है हमको बारिश आएगा तो आना पड़ेगा किसी को, क्योंकि नज़दीक है। अगर कपड़ा अंदर नहीं करते हैं हम तो बहुत कपड़ा तो नहीं सूखा है, जो पतला पतला है ना वो सूख गया। बहुत जल्दी भी नहीं धोए थे, ये भी पतला वाला भी नहीं सूखा है, थोड़ा लेट ही से धोए थे। अभी दिन का एक बज रहा है, तो कितना 10-11 बजे आसपास हम धोए थे, इतना जल्दी कहाँ सूखेगा पतला वाला भी। नहीं थोड़ा ही सा कपड़ा सूखा है, ज़्यादा सूखा नहीं है। चलो चलो थोर चलो। तो यहाँ देख सकते हैं अस्मिता रेडी हो गई है, अस्मिता इसे ही पहन के जा रही है और हम भी रेडी है। सेम सेम कलर, अस्मिता और मेरा का एकदम सेम कलर हो गया, लाल कलर लाल कलर। हाँ हम लोग सर लोग जान गया ना तो अकेले जा रहे हम लोग। हाँ, अनुज के पापा पहले ही चले गए, हम लोग अभी जा रहे हैं अकेले। हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं। अनुज के पापा बोल रहे सब कुछ हो रहा है, जल्दी आओ कह के, तो जल्दी ही जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी बहुत सारा प्रोग्राम बाकी है, इतना जल्दी तो अभी ना देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर ना लोटा पानी चालू हो गया है। आज मतलब पहली बार हमसे थोड़ा लेट हुआ है प्रोग्राम में पहुँचने के लिए, क्योंकि तैयारी हम नहीं हुए थे घर में, इसलिए थोड़ा देर हो गया है। और सबको यहाँ पर देख सकते हैं, मेहमान वाले भी आए हुए हैं, लड़का तरफ से पूरा भरा हुआ है और कुर्सी भी नहीं मिल रहा था यहाँ पर बैठे। और अगर हम साइड में खड़ा था, फिर बाद में इधर पीछे जाके बैठ गए और ठीक से हम लोग देख भी नहीं पाए और क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी हम लोग देख नहीं पाए, क्योंकि पीछे बैठे हुए थे ना, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हम बहुत मुश्किल से यहाँ शूट करने के लिए, इतना भीड़ में जाने का मन भी नहीं था। आपको जब थाली और लोटा देंगी तो आप प्रसार कीजिएगा। बढ़िया, आगे बढ़िए, नहीं करोगे ठीक है, अपने स्थान में लौट जाएंगे। ये लड़की लड़की के जो भी गार्जियन होंगे, वो लड़का का जो गार्जियन है दे दीजिए। हाँ अभी ना जितना भी लड़के तरफ से मेहमान आए हैं, शगुन के तौर पर लड़की को यानी कि दुल्हन को कुछ ना कुछ देते हैं, साड़ी जो भी बनता है वो सब देते हैं, तो वही सब हो रहा था। और कैमरामैन लोग सामने में पूरा भर गए थे, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो सब हम लोग का में नेग है कह दीजिए, देते हैं सब कोई। तो यहाँ पर देने के बाद में ना जितना भी साड़ी वगैरह सब हुआ, जो भी हुआ, सारा को एक में बांध के यहाँ देख सकते हैं सिर में ढुला रहे हैं। ये सब ना दुल्हन के घर वाले तरफ को दे रहे हैं, लड़की को जो मिला वो सबको उठा के अभी अंदर लेके जाएगी, पोटली को अंदर लेके जाएगी। उसके बाद में फिर से दुल्हन को अभी तैयार होना पड़ेगा, फिर से बाहर निकालेंगे उसको, क्योंकि बचनदात भी करना है, बचनदात वगैरह सब घर में होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी सब गाते गाते आ रहे हैं सामने, तो बचनदात अभी शुरू होगा इसके बाद में।
अभी ना यहाँ पर देख सकते हैं आंटियाँ फूल खोस रही है, तेल लगा रही है, पाउडर, आईना सब दिखा रही है। आईना ना एकदम फनी रहता है, लड़का लोग को लड़की का फोटो दिखाया जाता है और लड़कियों को मतलब औरत लोग को हीरो लोग का फ़ोटो सबको दिखाया जाता है आईना में, तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ का प्रोग्राम बहुत हंसी मजाक होता है, तो फूल खुशनी ये सब कर रहे हैं और हम लोग तरफ भी आ रहे हैं खोजते खोजते। तो हम लोग ना पहले से रेडी है कि हम लोग को बोलना है हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग इधर के हैं, उधर से नहीं आए हैं। और हाँ, लेकिन फूल तो लगा लेंगे क्योंकि फूल अच्छा लगता है लगाने के लिए, सबको अच्छा लगता है क्योंकि प्रोग्राम का निशानी रहता है ये सब, फूल बाल में रहता है तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो फूल को तो नहीं छोड़ेंगे, फूल को लगा लिए थे। और अभी ना देख सकते हैं अनुज चम्मच बांट रहा है यहाँ पर, मतलब खाने के लिए नाश्ता टाइप का कह दीजिए भुंजड़ी बटा रहा है। ये हम लोग का में होता ही है, किसी किसी के यहाँ मिलता है, किसी के यहाँ नहीं मिलता है, चिकन मटन ये सब का मिलता है। तो अनुज को कौन चम्मच बांटने के लिए भिड़ा दिया, हम देखे ही नहीं थे, बाद में देखे कि अनुज काम कर रहा है अचानक से। और इधर अचानक से देखे अनुज के पापा, वो भी काम पे लग गए हैं। ये लोग दोनों आज ना एकदम मेरे को ना सरप्राइज ही कर दिए थे दोनों अलग अलग से, हम देखे ही नहीं थे दोनों को कि काम कर रहे हैं। मॉर्निंग। तो ना कल वहाँ से आए, पार्टी से आए, उसके बाद में कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो हम लोग सोए तो नहीं थे, ऐसे बैठे उठे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर हम कुछ सूट नहीं किए। और अभी ना कल कर्मा भी था, प्रोग्राम भी था, और हम लोग तो प्रोग्राम गए थे, जो कर्मा मना रहे हैं वो लोग तो मनाए, जो मना रहे थे वो लोग मनाए, और हम लोग तो नहीं मनाते हैं। तो ना आज किसी किसी का छुट्टी है और किसी का नहीं है, हम लोग का ये दोनों का छुट्टी नहीं है। तो अनुज के पापा भी बोल रहे थे कि आज छुट्टी रहता तो कितना अच्छा, कल का मतलब मम्मी, तो सरकारी स्कूल छुट्टी है और प्राइवेट स्कूल छुट्टी नहीं है, कुछ कुछ स्कूल छुट्टी नहीं है, कुछ स्कूल छुट्टी है, तो हम लोग का दोनों का छुट्टी नहीं है। तो हम लोग को सबको ही को लग रहा था कि काश आज छुट्टी होता, पता नहीं मन ही नहीं लग रहा था कुछ में, कल पार्टी सब भी गए थे ना, इसीलिए आज इन लोग दोनों को भी मन नहीं कर रहा था, इसके पापा को भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन चले गए वो भी। और इन लोग अभी जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं अभी यहाँ पर। अनुज खा रहे हैं छिलका रोटी और दूध से, थोड़ा सा दूध बचा था उसी से खा रहे हैं दोनों, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गिलास में ले लिए हैं छिलका रोटी के साथ में। ना असमित वाइट वाला दूध और वाइट वाला रोटी। और इधर यानुज का पानी रेडी है स्कूल वाला, ये देखो टाई, तुम्हारा टाई पानी? तुम्हारा डालेंगे, नहीं डाले हैं। तो दोस्तों अभी हल्का हल्का धूप निकल रहा है, कपड़ा निकाल लेते हैं और लो पकड़ो। तो अभी ना अस्मिता जा रही थी दुकान, रोटी से सॉस लेके जाएगी, तो सॉस लाने के लिए जा रही थी, जैसे ही निकली ना ऊपर से चिड़िया लटरिंग कर दिया उसका पैर में, सिर में नहीं गिरा, खैर पैर में हुआ। तो ला एकदम घर से जैसे निकली और कर दिया। तो दोस्तों हमको देख सकते हैं अभी हम बैग टंगाए हुए हैं, और इधर अस्मिता रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, और इसको पता ही नहीं है कि आज छुट्टी है, आज कर्मा का दूसरा दिन है। बताई थी मैम, नहीं बताई थी, पता नहीं बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई भी होगी, तो नहीं गई थी ना, नहीं गई थी स्कूल। हाँ हाँ,
शनिवार को स्कूल ही नहीं गई थी तो कहाँ से पता रहेगा। और ना अभी अलका की मम्मी लोग, अलका की मम्मी तो अलका को छोड़ने जाती है, अलका हाँ, का पापा हम लोग को पता नहीं था ना, हम लोग को पता नहीं था आज छुट्टी है तो स्कूल जाने के लिए पूरा रेडी हो गई है अस्मिता। अभी पता चल रहा है, अभी निकले थे बाहर तो पता चला कि स्कूल छुट्टी है और इसका देखिए खुशी का ठिकाना नहीं अभी से जा। और ये ना अपना दोस्त लोग को फ़ोन करके भी पूछी थी कि आज छुट्टी है कि नहीं है, लेकिन इसका दोस्त लोग को भी नहीं पता, वो लोग तो आ ही नहीं रही है, वो लोग खुद ही नहीं आएंगे, शायद किसी को नहीं पता था। तो अस्मिता तो अभी ड्रेस खोलेगी ना, खोलो हम भी टंगा के रखे हैं बैग को। तो टिफिन सब डाल चुकी थी अस्मिता, लेके जा रही थी अभी, तो इसको खाएगी अभी घर में, अभी ये खाएगी रे सॉस को, अभी ये खा जा रही है, अब तो स्कूल लेना नहीं है इसलिए घर में खा रही है। तो थोड़ा देर में हम भी नाश्ता करेंगे, ये लोग तो कर लिए हैं, हम भी नाश्ता करेंगे, अनुज के पापा पता नहीं कौन टाइम आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल में कोई नए है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।